राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के मुद्दे पर हो बहस अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी नमस्कार दोस्तों मैं रतन सिंह और आप सभी न्यूज में स्वागत है कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राहुल गांधी को सांसद पद से अयोग्य ठहराए जाने पर संसद में बहस करवाने की मांग की है अधीर रंजन चौधरी का कहना है की सदस्यता रद्द करने का फैसला बेहद जल्दबाजी में लिया गया अपने समर्थन में चौधरी ने पिछले लोकसभा के सदस्य के मामले का हवाला दिया है अधीर रंजन ने पत्र में कहा संसद में एक बहस होनी चाहिए ताकि इस तथ्य का पता लगाया जा सके कि क्या हमारे नेता राहुल गांधी को असंगत सजा दी गई है इसमें से संज्ञानात्मक असंगति या कानून की असमानता की बू आती है जो सभी निर्वाचित सदस्यों को मिलती है उन्होंने राहुल गांधी के, के केस की तरह ही एक मामले का जिक्र करते हुए कहा की आपको याद दिलाना चाहूंगा की पिछले लोकसभा के दौरान गुजरात के चौदह अमरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मसौदा सांसद नारायण भाई कछाड़िया को आईपीसी की धारा 332, 186 और एक के तहत दोषी ठहराया गया था उस केस में कछाड़िया को तीन साल के कारावास की सजा और आई की धारा तीन के तहत और धारा एक सौ के तहत छह महीने की कैद दी गयी थी कछाड़िया ने हाई कोर्ट में अपील दायर की और कोर्ट ने 18 अप्रैल 2016 को दोषी सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया हालांकि हाई कोर्ट ने सजा के निलंबन की अनुमति दी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार नारायण भाई कछाड़िया को सदन की सदस्यता से आयोग घोषित किया जाना चाहिए था हालांकि तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने नारायण भाई कछाड़िया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी बता दें कि गुजरात के सूरत जिले की कोर्ट ने राहुल गांधी की कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ दो में आपराधिक मानहानी के मामले में तेईस मार्च को दोषी ठहराया गया था और दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी इसके अगले ही दिन चौबीस मार्च को लोक प्रतिनिधित्व कानून के कारण लोकसभा से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी